इन पहाड़ों को चीरते हुए पूरा लद्दाख तक जाएंगे, कोई पैसे नहीं है। तो स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। आज है हम अभी तांदी में, तांदी से हम देखते हैं टारगेट करेंगे लेह का। और हमारे साथ तीन यूट्यूबर है, निशांत व्यूज, ट्रैवलिंग चटोरा, मुबारक खान। अच्छा आप में से लेह से कौन आया अभी? निशांत भाई, निशांत भाई बताओ, अगर मैं यहाँ से जो जा रहा हूँ लेह की तरफ, तो मेरे को क्या रास्ते में कैंपिंग टेंट लगाने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, क्या लगता है? पड़ेगी। पड़ेगी कहाँ पे? सरचू में। तो निशांत भाई को लगता है कि देखते हैं सरचू वाला पार होता है कि नहीं होता है। हम यहाँ पे रुके कितना, 7-8 नाइट रुके हम यहाँ पे ना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। क्या दिखाते हो अपने चैनल में? ट्रैवलिंग, राइडिंग, कैंपिंग। हाँ, इनका चैनल सब्सक्राइब करो मत करो, इनका करो मत करो, मेरा कर देना, मैं तो नया हूं अभी। चलो मजा आया यहाँ पे, है ना, बहुत पीसफुल सा है। अब यहाँ से रोड पे पहुँचना है और आज ये देखना है, आज की कहानी पूरी ये रहेगी कि मैं लेह पहुँच पाता हूँ या मुझे रात में बीच में कैंपिंग करनी पड़ेगी या क्या होता है, कोई और हेल्प करेगा, मेरे को कुछ नहीं पता। पिछली बार जब मैं ये वाला रास्ते में था तो मैं मनाली से शुरू करके सरचू में पहुँचा था और सरचू में कैंपिंग करी थी। अब सरचू में कैंपिंग आज होगी, क्या होगा मेरे को कुछ नहीं पता। एडवेंचर, लद्दाख एडवेंचर अभी हुआ है थोड़ा सा, शायद कैंपिंग टेंट अब यूज़ होगा। हम 14 अप्रैल को निकले थे और आज 15 मई हो गया है, देखते हैं। चलो रोड पे पहुंच के शुरू कर दिया अपना एडवेंचर, देखते हैं यहाँ से अब कब तक पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते। लंबी जर्नी है इसीलिए मैंने सोचा था कि सुबह जल्दी शुरू करूँगा और काफ़ी जल्दी शुरू कर दिया है। वो नीचे से चढ़ के पता है क्या, कोई भी आप चीज़ शुरू करोगे ना तो शुरुआत में वो मुश्किल लगेगी, थकान होगी। जैसे ट्रैकिंग करोगे ना तो शुरुआत में थकान होगी, या कोई भी काम, जिम या कुछ भी, थकाने वाला भी और वैसे भी कोई भी काम, वो शुरुआत में डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन करते रहोगे ना फिर वो ईजी लगने लग जाएगा। जैसे अभी मैं रोज़ करता हूँ ये वॉकिंग ट्रैकिंग, लेकिन फिर भी मैं शुरुआत करता हूँ ना तो शुरुआत में ऐसे सांस फूलती है। अभी लेह तक जाना है मुझे, 5 पास पार करने हैं। थोड़े से में हो गया, देखते हैं एडवेंचर शुरू, मजा आएगा। और वो है हमारा होम स्टे, कैंप और जो भी बोलो, रूम भी है उसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में मैंने कांटेक्ट दे दिया है, कांटेक्ट कर लेना अगर आपको इस जगह पे आके रहना है तो। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि यहीं पे रह जाएं, इतना शांति सी है यहाँ पे, एकदम सीरीन लगता है। मैं एक दो नाइट के लिए रुकता हूँ जिस भी होस्ट के यहाँ पे रुकता हूँ, लेकिन कभी पसंद आ जाता है मुझे जगह या होस्ट पसंद आ जाता है, वाइब्स मिल जाती हैं, फिर ऐसे मन करता है यार रह जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, तो रह गए। आप भी आओ तो यहाँ पे रह जाओगे, ऐसी सनशाइन आती है ना यहाँ पे, आ बाहर घूमते रहो मज़ा ही आ जाता है। आ जाओ, थैंक यू। सुबह की पहली लिफ्ट, कहाँ पे जा रहे हो अभी आप? तांदी। तांदी, ओके ठीक है, थैंक यू। तांदी तक रास्तों से मेरी गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस्ता वो भी खाली हो गया। बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर, कैसा है ये सफर, धन्यवाद जी, थैंक यू, बाय बाय। आ गए लद्दाख रोड पे। लद्दाख रोड अब लग रहा है पूरा फील, ये देखो इन पहाड़ों को चीरते हुए पूरा लद्दाख तक जाएंगे, कोई पैसे नहीं है और खाना भी नहीं है अभी, मेरे पास बिस्किट है बस। होगा आज खर्चा, होगा मेरे को लग रहा है। मैंने 500 रुपये लेके चला था मैं दिल्ली से, एज एन इमरजेंसी बजट में 500 रुपये लेके चला था। और एक दिन हमें कोई 100 रुपये दिए थे एक लिफ्ट वाले भैया ने, वो बोले
मतलब उन्होंने ऐसे बड़े भाई के नाते ऐसे ज़बरदस्ती दे दिए थे हमें 100 रुपये। तो इस वक्त है हमारे पास 600 रुपये। थैंक यू। कहाँ जाना? मैं जा रहा हूँ लद्दाख। केलंग तक ले जा सकता हूँ। ओके थैंक यू। लिफ्ट ना है? लिफ्ट ए, लिफ्ट लिफ्ट। ओके थैंक यू। ये डाल देता हूँ। तो ये भैया जा रहे हैं केलंग तक और हमको जो पिछली बार मिली थी ना वो पहले मनाली से लेके केलंग तक मिली थी डायरेक्ट लिफ्ट, और इस बार भी हमको केलंग तक मिली है। केलंग यहाँ का एक बड़ा ओके धन्यवाद जी। केलंग यहाँ का बड़ा स्टॉप है, और अगर आप बस से करना चाहते हो लद्दाख को तो भी ये बड़ा स्टॉप जो आएगा यहाँ पे वो केलंग आएगा, और केलंग में बस का ड्राइवर और वो सब चेंज होगी, फिर बस आगे जाती है। और बस भी पूरे साल नहीं चलती है, साल के 6 महीने चलती है शायद, चार महीने के करीब चलती है शायद वो बस। तो अगर आप लद्दाख बस से करना चाहते हो या करी है तो कमेंट में बताना। मैं दिल्ली से हूँ। आप यहीं से? ओके। थैंक यू जी, धन्यवाद। बाय 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 बाय। पहुंच गए केलंग। केलंग में यहाँ पे ना दो बस अड्डे हैं, एक नया बस अड्डा है, एक पुराना बस अड्डा है। पुराना बस अड्डा ऑन द हाईवे ही है, और ये नए बस अड्डे की तरफ नीचे चले गए तो बोले आप ये हाईवे पे ही है, आप यहीं पे उतर जाओ। केलंग पहुंच गए, बड़ी जल्दी पहुंच गए, जैसे ही स्टार्ट किया जल्दी जल्दी दो लिफ्ट मिल गई ऊपर से उतरने के लिए, और फिर मेन रोड से केलंग तक, यानी 8 किलोमीटर टोटल अपना 8 किलोमीटर जल्दी से ही कवर हो गया है। 8:30 बजे शुरू किया था, अभी 9 बज गए हैं, जिसमें हमने थोड़ा सा पैदल चले, और ठीक है शाम तक पैदल चलना है अब तो, लगे मज़ा आएगा। आपको ना कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत अच्छा बताता हूँ, कभी ना आपसे कोई लोग बोलेंगे कुछ बात जिससे आप एग्री नहीं करोगे, मतलब अगर आपको किसी बात पे डिसएग्री भी करना ना या मना करना कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो उसको ना डायरेक्ट मना मत करो, उसको बोलो कि हाँ आप जो बोल रहे हो ना वो सही है, लेकिन ये ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। तो 100% तो बात किसी की भी नहीं होती, ना आपकी होगी ना उसकी होगी, तो आपको उससे लड़ना नहीं है, ना ही उसका स्ट्रेट अवे ये बोलना है कि आप गलत बोल रहे हो ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि 100% होता ही नहीं है। जो आप भी बोलोगे ना वो भी 100% नहीं होगा, जो वो बोल रहा है वो भी सही होगा। तो आपको उसे बताना है कि कुछ लोगों में ऐसा होता है, कुछ लोगों में ऐसा होता है। जैसे मेरे को बोलते हैं कुछ लोग कि ये लिफ्ट बोर्ड से कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे, मैं बोलता हूँ हाँ कोई नहीं रोकेगा, ये बात सच है कि यहाँ के लोग नहीं समझेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये देख के ना मेरे को कन्फर्म लिफ्ट देंगे, तो मेरी बात भी सही हो गई, कुछ लोगों पे मेरी बात सही बैठेगी, कुछ लोगों पे उसकी बात सही बैठेगी। तो ये कभी भी ना किसी को डायरेक्ट मना मत करो कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। ओके मैं बात करने के चक्कर में लिफ्ट छूट गई, अरे स्लो चल रही है वो गाड़ी, 4x4 में गाड़ी लिफ्ट मिल जाए सीधा साएं 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 करके, बारह लचा पार सच पास पार, और क्या आता है उपशी उपशी भी पार, ले पहुंच जाएंगे आज ही आज में, अगर हुआ तो। मैं पक्का नहीं, मेरे को बहुत दूर है वैसे, देखते हैं क्या होता है आज। तो अभी मैं एक इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था, उसमें किसी ने बोला है कि पेंगोंग में जाके कैंपिंग करो या मत करना, पता नहीं ऐसे कुछ बोला रहा, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। पेंगोंग नुब्रा तो पिछली बार किया था, इस बार क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं होगा एडवेंचर देखते हैं। पिछली बार जब मैं लद्दाख गया था ना मेरी 2-3 क्लिप फेसबुक पे वायरल हुई थी, और इस बार भी जर्नलिस्ट वगैरह के काफ़ी मेरे को आ रहे हैं, तो एक अभी एक चैनल पर आया है मेरा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे सारे लिंक मैं शेयर करता हूँ हमेशा। आज एडवेंचर होने वाला है, मज़ा ऐसे में ही आता है पर यार, अब पता क्या लाइफ से ना एडवेंचर ख़त्म हो जाता है, जब आप बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है या कुछ हो जाता है ना तो फिर वो ईजी लगने लग जाती हैं चीज़ें, लेकिन फिर ऐसे ऐसे टेरेन पे आके दोबारा से लगता भाई ये है असली मज़ा, हाँ ये है असली मज़ा। ट्रैवलर आ रही है, एक पिकअप आ रही है, एक गाड़ी भी आ रही है, और बाइकर तो आ ही रहे हैं। ओके एक भाई ने यहाँ पे रोकी है, हेलो थैंक यू। आई जस्ट सॉ योर वीडियो, आई गेट। ओके आप कहाँ से हैं? मैं तो यूपी का ही हूँ। ओके
तो ये एक भाई मिले, इन्होंने हमारी वीडियो देखी है, देखते हैं आगे कहाँ तक। आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो जा रहा था ये सूरजताल। सूरजताल, ओके, पास में ही जा रहे हो आप। हाँ। यूपी से शुरू किया था आपने? नहीं नहीं, मैं मतलब मैं तो 4-5 महीने से बाहर ही हूँ, कश्मीर घूम रहा था। ओ, तो अच्छा। वेकेशन पे हूँ तो इसलिए वीकेंड्स पे ही घूमता हूँ, बाकी वीकडेज पे का। हाँ, संडे है ना। हाँ, संडे तो वापस जाना पड़ेगा मनाली। हाँ, शाम तक। ओके, वर्क। पर इसमें तो जगह नहीं लग रही मेरे को बैठने लायक, बट मैं सोच रहा था कि जगह नहीं क्योंकि मेरे पास बैग का। हाँ, कोई नहीं, समझ लिया था मैं, बोला बाइक पे मुश्किल ही रहती है, अपने सामान वामान रहता है तो ज्यादा दिक्कत होती है। पहचान लिया था मैंने तो, मैंने कहा एक बार। हाँ, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके, फिर मिलेंगे कभी। इंस्टा वही ट्रैवल विदाउट मनी, वहाँ पे मिलेंगे। एक गाड़ी और आ रही है। अभी ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो देखे हुए रहते हैं, तो अगर वो नहीं दे हेल्प कर सकते ना तो मिलते ज़रूर हैं, तो अच्छा लगता है ऐसे मिलते रहते हैं लोग। फिर कम से कम, जैसे मेरे पास अगर पानी ना हो, वैसे पानी मैं हमेशा रखता हूँ, वैसे मैं अपने साथ पानी वानी और ये सब हमेशा रखता हूँ। जैसे मान लो कभी नहीं होता या वो होता, तो कभी कोई चॉकलेट दे देता है मुझे, कभी कोई फल दे देता है, खाना दे देता है, कुछ ना कुछ ऐसे। पर वो बिठा नहीं सकते क्योंकि उनके पास खुद ही जगह नहीं है, तो अच्छा लगता है, काफ़ी हेल्प हो जाती है मेरी। ये टैक्सी ज़्यादा जा रही है। ऐसे मुस्कुराते हैं ना, वहाँ से मुस्कुराते सब हैं, वह उनके जगह ही नहीं है तो वो कैसे बिठाएंगे। कोई बात नहीं, हमको पैदल चलने में मज़ा आ रहा है। शाम तक वैसे हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि हाई पास आते हैं ना, तो हाई पास में सर दर्द होता है। सर दर्द होने के बाद ना ऐसा बहुत चिड़चिड़ा सा लगता है बहुत ज़्यादा, और कोई कोई ना बहुत ज़्यादा एडजस्ट करके भी बिठा लेते हैं, मतलब उनके में खुद भी जगह नहीं है पर वो एडजस्ट करके बिठाते, बोले कोई बात नहीं आप बैठ जाओ। थक गया मैं। तो थकान का भी एक मज़ा है पर।